हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अब आ गई हूँ देहरादून जू। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये पार्किंग एरिया है जहाँ आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। तो अभी तो यहाँ ऐसे एंटर करते हुए सबसे पहले हमें यहाँ फूड कोर्ट दिखता है, और उसके बाद यहाँ पे टिकट काउंटर। यहाँ से आपने टिकट लेनी है। अडल्ट की टिकट 30 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपये। टिकट लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ सबकी टिकट चेक हो रही है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि खाने की कोई चीज़ अंदर लेना अलाउड नहीं है। आप अपनी वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, बस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में ये पार्क है, फन पार्क। यहाँ पर झूले लगे हैं बच्चों के लिए हैं। तो अगर आप बिल्कुल सामने देखो, वहाँ आपको दो रास्ते मिलते हैं, राइट और लेफ़्ट। तो अगर आप लेफ़्ट साइड से जाते हो पहले बर्ड जाएंगे, और अगर आप राइट साइड से जाते हो तो पहले आपको डियर वगैरह दिखेंगे। तो मैं पहले लेफ़्ट साइड से गई जहाँ पे मुझे बहुत सारे बर्ड्स दिखे। कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। अरे यार, लोगों की आवाज़ नहीं, बर्ड्स की। ध्यान से सुनो, कितना अच्छा लग रहा है ना बर्ड्स की आवाज़ सुन के। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स थे, डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड्स थे। पैरट की ही इतनी स्पीशीज़ थी ना कि मैं देख के हैरान हो गई, इतने सारे बर्ड। आप बर्ड्स को भी इंजॉय कीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा ज़ू के बारे में बता देती हूँ। जो ज़ू की टाइमिंग है ना, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। जो ज़ू है ये देहरादून में मसूरी रोड पे है। ये लगभग 9 किलोमीटर दूर है घंटाघर से। आप लोकल बस, राजपुरा से आप लोकल बस ले सकते हो जो आपको यहाँ छोड़ेगी, या तो मेरी तरह फिर ऑटो या विक्रम करके आप यहाँ आ सकते हो। और ये ISBT देहरादून 16 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स लगेंगे ज़ू के लिए। आप सबको पता है जो देहरादून ज़ू है वो 10th ranked में है वर्ल्ड में। अगर क्लीनिनेस की बात करूँ ना ज़ू के अंदर की, तो वो बहुत क्लीन था। हर जगह बहुत साफ सुथरी थी। पीकॉक ने पीको लेंगे। तो हर जगह ना कुछ होता है। मेरे साथ ऐसा होता कि यहाँ कुछ नहीं होता, तो हुआ यूँ कि ना मैं पानी की बोतल ही नहीं लाई, और फिर पानी ढूंढने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, और इस जगह आई तो यहाँ तो एक बंदर झपटने को आ गया था मेरे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पानी की बोतल ज़रूर रखना। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, तो ये एडवेंचर पार्क है। हाँ, यहाँ पे फॉक्स फ्लाइंग ऐसा सब कुछ था एडवेंचर करने के लिए। छोटा छोटा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं वो ले जा रहे थे, छोटा छोटा था, बट था एडवेंचर करने के लिए। आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मैं वहाँ से आगे बढ़ी, और मैंने ना एक बड़ा सा बर्ड इस केज में देखा। ऑस्ट्रिच की तरह लग रहा था। मैंने ध्यान से देखा, ये ऑस्ट्रिच ही था, और केज के बाहर भी लिखा हुआ था कि ये ऑस्ट्रिच है। ऐसा अक्सर मैंने टीवी में देखा, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको अपने सामने देखा था। तो मैं इसके आगे गई, इसके आगे भी इसके जैसा ही बर्ड दिख रहा था, सेम, बस वो छोटा था। तो फिर मैंने पढ़ा टर्की लिखा हुआ था, और उसके साथ वाले केज में भी सेम जैसा बर्ड था दिखने में। उसकी जो हाइट थी वो टर्की से बड़ी और ऑस्ट्रिच से छोटी थी। तो फिर मैंने यहाँ पढ़ा, उसका नाम ईमो लिखा था उस पर। एक रोड नीचे, तो एक रास्ता नीचे जा रहा था, तो मैं वहाँ गई। वहाँ दो डिफरेंट केजेस थे,
एक में क्रोकोडाइल था और एक में घड़ियाल था। दिख तो नहीं रहा था मुझे अच्छे से, एक ही दिखा, घड़ियाल दिखा, और बोल रहे थे कि दो हैं बट मुझे एक ही दिखा। और इसके साथ वाले केज में ना क्रोकोडाइल था, वो बिल्कुल नहीं दिखा, वो पानी के अंदर ही था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आया। तो इसके आगे गए तो वहाँ टर्टल और टोरोटाइस थे, छोटे छोटे से, क्यूट से, पानी के अंदर थे। एक तो ऐसे दुपक के नीचे गिर गया ना, कितना क्यूट लग रहा है ना ये छोटा सा। मुझे ना बहुत प्यारे लगते हैं टर्टल और टोरोटाइस, छोटे छोटे से एनिमल्स मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। एक बात और कि जो भी स्पीशीज़ हैं ना उनके केज के बाहर है ना बोर्ड्स लगे होंगे, और उन बोर्ड्स पे ना उनके बारे में हर एक चीज़ बताई जाती है कि वो कौन सी स्पीशीज़ है, उसका नाम क्या है, कहाँ से है, इवन हर एक चीज़, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ उसमें बता दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ से थोड़ा मूव हुई तो मैंने देखा कि स्नेक हाउस। ओह माय गॉड, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा नहीं, अपने दिल पे हाथ रखा, कहा प्रिया तुम ये कर सकती हो, और मैं उस स्नेक हाउस में घुस गई। ओह माय गॉड, वहाँ स्नेक्स, एकदम अपने सामने में स्नेक्स देख रही थी। कुछ तो इतने मोटे मोटे थे ना, आप वीडियो में देखोगे आगे, इतने मोटे मोटे स्नेक थे, ऐसा लग रहा था कि अभी शीशे से बाहर आ जाएंगे। ओह माय गॉड, आप देखिए तो, आप खुद देखिए, आपको पता चलेगा। सारे के सारे सांप ऐसे मस्त नींद ले रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब जो भी सांप देख रही थी कोई मूव नहीं कर रहा था, बस एक कोने में पड़े हुए थे। कुछ तो एक लॉग था उसके अंदर घुसे हुए थे, कुछ जो है वो बाहर थे, मतलब मूवमेंट किसी की भी नहीं थी। एक जगह है ना वहाँ स्नेक नीचे मेंशन किया था किंग कोबरा, और मुझे ना किंग कोबरा को देखने की ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, लेकिन वो लकड़ी के नीचे घुसा हुआ था, वहाँ से बाहर ही ना निकले। उसके बाद इंडियन कोबरा, वो भी वैसा ही, वो भी बाहर ही ना निकले, लकड़ी के नीचे घुसे हुए थे। तो उसके बाद ना, उसके बाद एक स्नेक था, ठीक है, तो सब वहाँ पे खड़े थे क्योंकि किसी को वो स्नेक दिख ही नहीं रहा था। तो वहाँ सामने ट्री लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि स्नेक इज़ ऑन द ब्रांच, ठीक है। तो हम उस ट्री पे सब वहाँ जो खड़े थे मेरे साथ, तो हम देखने लग गए। कुछ सांपों के तो नाम ही इतने भयानक थे ना, बहुत सारे स्नेक्स थे यहाँ पे, बहुत सारे, बहुत भयानक भयानक स्नेक लग रहे थे, और नाम भी उनके उतने खतरनाक थे। तो यहाँ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर स्नेक बाइट करता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। एक जो स्नेक था ना, उसका कलर इतना सुंदर था, लाइट मस्टर्ड, थोड़ा सा येलोइश टाइप का था और वाइट था। तो एक ये जो ग्रीन वाइट स्नेक है ना, यहाँ पे भी लिखा था स्नेक इज़ ऑन द ब्रांच। तो यहाँ पे भी हम देख रहे थे, यहाँ तो वो एक दम पौधे जैसा दिख रहा था, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम, देख रहे हो आप, मैं यहाँ एरो पॉइंट कर दूँगी ताकि आपको दिखे। मैंने बहुत सारे स्नेक्स देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सांप टीवी में देखे थे सिर्फ और सामने नहीं, वो मैंने इस ज़ूम में आकर देखे। माय गॉड, ये स्नेक जितना सुंदर होगा उतना ख़तरनाक भी है ना। अच्छा, उसके बाद है ना लास्ट वाला ये केज था, यहाँ पे ना मुझे रेप्टाइल दिखा, मुझे बहुत
भयानक लगता है इगुआन, जिससे बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी थी इसको देखने की। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने इसको एज अ पेट रखा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं था। इस तो इसकी जगह ना क्रोकोडाइल के बच्चे थे। उसके बाद ये सब देख के ना मैं बाहर निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी। ये अब है यहाँ पे एक तरफ कैक्टस का एक्वेरियम था और एक तरफ फिश एक्वेरियम था। तो टिकट्स लेनी थी उसकी, तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप और थक गई थी। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। ना मैंने कैक्टस देखा और एक्वेरियम भी नहीं देखा। यहाँ से आगे गई तो वहाँ पे मुझे डियर दिखे और एक में मुझे लैपर्ड दिखा। वो सारे बहुत जो एनिमल्स देखने के बाद मैं जू से बाहर आ गई। मुझे तो यहाँ के बहुत मज़ा आया। जो जानवर मैंने सिर्फ टीवी पे देखे थे वो मैंने अपने सामने देखे। ह्यूज वैरायटीज़ ऑफ एनिमल और बर्ड्स आपको एक ही जगह मिले, इससे बड़ी मज़ेदार और क्या बात हो सकती है। अब मैं जा रही हूँ अपनी लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि FRI म्यूज़ियम। लेकिन वीडियो है ना अलग से आएगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। क्योंकि मैं दो ही वीडियो बनाऊंगी, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैं तीन वीडियोस बना रही हूँ। तो क्या कर रहे हो ऐसे बैठे बैठे, मेरी बकबक सुन रहे हो? जाके मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।